सबसे पहले तो आप सब लोग की अर्ज खिदमत में मेरा सलाम है। उसके बाद आज हम बताएंगे कि हमें आशूर के रोज़ कैसे रहना चाहिए। हाथ गिरेबान चाक हो, हमें आशूर के दिन कंघा नहीं करना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए जैसे कोई हमारे घर में मर गया हो, और हमें गली में ऐसे गिरेबान चाक हो, बालों में कंघा नहीं हो। अगर कोई हमसे पूछे तो कोई पूछे कि भैया क्या तुम्हारा कोई मर गया है, तो हमसे अगर कोई पूछता है तो आप कहना आज दस मुहर्रम है। और हम बताएंगे आपको कि आशूर के दिन माल कैसे करने चाहिए। मगर उससे पहले मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ ज़ियारत आशूरा का। ज़ियारत आशूरा की कितनी अज़मत है देखिएगा। एक शख्स था जिसका बाप बहुत गुनाहगार था। उसके बाप का इंतकाल हो गया। जब उसके बाप का इंतकाल हो गया तो उसके वालिद उसके ख्वाब में आए। आने के बाद उसने अपने वालिद से उसने देखा कि उसके वालिद जन्नत में है। उसने कहा अपने वालिद से कहा वालिद आप आज जन्नत में कैसे हैं? आप तो बहुत गुनाहगार थे। कहा जब मुझको आप दफन कर आ चुके तो 3 दिन तक मेरी कब्र में आग जलती रही। फिर कुछ दिन के बाद कुछ कब्रें छोड़कर एक खातून का इंतकाल हुआ। उसको दफन किया गया। दफन करने के बाद उसकी कब्र में रोज़ इमाम हुसैन आते थे। एक रोज़ उसने इमाम हुसैन से कहा मौला ये भी तो आपका चाहने वाला है, इसे बख्श दीजिए। मौला ने दुआ करी और मेरे ऊपर से अजाब हट गया। हटने के बाद कहा उस शख्स ने कहा कि मैंने पूछा अपने बाबा से कि उस शख्स का नाम, उस खातून का नाम क्या था, उस मोमना का नाम क्या था, उसका घर कहाँ है, कौन से मोहल्ले में है। उसके वालिद ने उसे बताया कि फला जगह पर उसका घर है। वो शख्स वहाँ पर पहुँचने के बाद कहा उसके शोहर से मिलने के बाद कहा कि क्या भाई आप मुझे ये बता दो आपकी जोजा आपकी बीबी का इंतकाल हुआ है और वो ऐसे उन्होंने उनका इंतकाल हुआ है और उनकी वजह से मेरे वालिद की बख्शिश हुई। आप ये बताइए क्या वो कसरत से कुरान पढ़ा करती थी? कहा नहीं। कहा कसरत से इबादत किया करती थी? कहा नहीं। कहा तो वो क्या करा करती थी, उनका ऐसा कौन सा अमल था? कहा वो कसरत से ज़ियारत आशूरा पढ़ा करती थी। कहा वो कसरत से ज़ियारत आशूरा पढ़ा करती थी। देखिएगा इमाम ने फरमाया तुम एक कदम हमारी तरफ बढ़ाओ, हम 10 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाएंगे। बेशक। देखिएगा फिर हम आपको बताएंगे कि जनाब इमाम जावेद सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेहतरीन अमल ये है कि मुसीबत ज़दा किसी सूरत बनाए रखें। आशूर के दिन के अमाल हम आपको बयान करेंगे कि जब आशूर के दिन की 4 रकात नमाज है, जिसमें आपको पहली रकात में सूरह हम्द के बाद सूरह कुल पढ़ना है और दूसरी रकात में सूरह हम्द के बाद सूरह इन्नज़लना पढ़ना है और तीसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह अज़ाब पढ़ना है और चौथी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह मुनाफिकून पढ़ना है, इज़ा जाकल मुनाफिकून। इसी तरह से आशूर की नमाज है। और क्या कहते हैं 1000 मरतबा हुसैन के कातिलों पर लानत भेजनी है। अल्लाहुम्मा लन कतलतल हुसैनी
असहाबी ही। फिर क्या करें, फिर कहते हैं कि सात मरतबा आगे बढ़ना है, सात मरतबा पीछे हटना और कहना है इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहे व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह से रोज़े आशूर के आमाल अंजाम देने हैं, इसी तरह से आपको आमाल अंजाम देने हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और क्या करें हैं इसको शेयर करें। हज़र है, इस चैनल का नाम हैदरी अज़ादारी है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।